आइए जानते हैं तुला राशि वालों के बारे में, 2024 दिसंबर का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी तुला राशि के लोग लीब्रंस मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं, प्रेडिक्शंस आप सभी के लिए हैं। हॉरोस्कोप के हिसाब से जो आपके प्रेडिक्शन निकल कर आते हैं ये उस हिसाब से है, यानी कि आपकी राशि अगर जन्म पत्रिका के हिसाब से लीब्रन है, तुला है, तो ये प्रेडिक्शन आपके लिए सन साइन से प्लीज इसे कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए जानते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए महीना काफ़ी अच्छा व्यतीत होता नजर आता है, इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड हैं और आप काफ़ी पॉजिटिव हुए हुए हैं। इनफैक्ट लोग आपसे आके राय लेंगे और आप काफ़ी अच्छी काउंसलर्स इस महीने बन सकते हैं। तो मैरिड एंड मैरिड कपल्स में मैं देखती हूँ ऐसी कोई ज़्यादा लड़ाई झगड़े की कोई ऐसी बात नहीं है, छोटी मोटी अनबन होंगी जो हर जगह होती है, वो भी आप अपनी विजडम से बातें सुन के बातें करके बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट कर लेंगे, खास प्रॉब्लम नहीं देखते। तो आगे बढ़ते हैं कार्यक्षेत्र की तरफ, उसमें भी हम देखते हैं कि जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपकी बिजनेस डील्स में आ रही हैं या जॉब में आ रही हैं, कम्युनिकेशन इज़ द की फॉर यू, क्योंकि आप इतने ज़्यादा इमोशनली इन्हांस्ड हैं, आप इतना पॉजिटिव और अच्छा बोल पा रहे हैं इस महीने कि जो भी आप बोलोगे उसके एक डीप इम्पैक्ट दूसरे बंदे पे पड़ेगा ही पड़ेगा और उसी से आपकी काफ़ी कन्फ्यूजन्स और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स को भी यही राय है कि आप अच्छे से पढ़िए और मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे से थोड़ा भी फोकस कर लेंगे तो अगर कोई एंट्रेंस देने वाले हैं तो अच्छे से क्लियर करेंगे, पर ये सब कुछ पुरुषार्थ पे डिपेंड करता है। योग अच्छा है बट योग को विफल भी कर सकते हैं यदि पुरुषार्थ नहीं किया तो मेहनत करनी आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और रोगों की तरफ चलते हैं। तो रोगों में मैं देखती हूँ पेट से रिलेटेड पानी की कमी हो गई हो, इस वजह से रोग ऐसे छोटे मोटे हो सकते हैं। नॉन वेज बिल्कुल मत खाइएगा इस महीने, मैं तो वैसे ही बोलती हूँ कि नॉन वेज खाना ही नहीं चाहिए। तो उग्र पदार्थ जिनकी तासीर गर्म होती है आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, वो ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना है। ठीक है, और हो सके तो मछलियों को दाना डालें तो वो आपकी हेल्थ के लिए एक बहुत अच्छा उपाय मैं बता रही हूँ, आपकी हेल्थ उससे ठीक रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लकी कलर की तरफ। तो वो निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है सी ग्रीन, तो सी ग्रीन कलर के कपड़े खरीद लीजिए राधा कृष्ण के जोड़े, और जोड़े में आ जाएगा और राधा कृष्ण को पहनाइए या मंदिर में जाके उनके लिए दान कीजिए, पूछ लीजिए किस साइज़ के कपड़े पहनते हैं मंदिर में, वहाँ कीजिए, नहीं तो घर में ही पहनाइए और इस तरीके से इन रंगों को चरितार्थ कीजिए और आप देखेंगे आपके जीवन में असंख्य रंग और बिखर गए। दिस इज़ द बेस्ट वे, आपका जो भी बेस्ट है वो आप अपने प्रभु को अगर दे देते हैं तो वो बेस्ट के भी ऊपर वाली संज्ञा में चला जाता है, एंड दैट इज़ द बेस्टेस्ट वे टू सर्व। आप जो भी अच्छा अपने लिए मानते हैं वो आप प्रभु को पहले अर्पण करें फिर उसको उपयोग में लेकर आएं, तो आप देखेंगे वो आपके लिए चरितार्थ होता है। ठीक है, तो आशा ये महीना अच्छे काउंसलर बनके, लोगों को अच्छी एडवाइसेस देके और अपने कार्य भी कम्युनिकेशन के थ्रू खुद ही सॉर्ट आउट करके आप अच्छा व्यतीत कर लेंगे। प्रभु सदैव आपके साथ रहे। धन्यवाद।